युवा अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की मोहाली में दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दो युवक पहले से कर रहे थे विक्की का इंतजार। मोहाली के सेक्टर 71 मटौर में दिन दहाड़े दो बदमाशों ने युवा अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपित एक कार में सवार होकर आए थे। बताया जा रहा है कि बदमाश विक्की को जान से मारने की नियत से आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपितों ने विक्की पर एक के बाद एक कई फायर किए, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मटौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घटना स्थल से गोलियों के खोल भी बरामद किए हैं। मृतक विक्की अकाली दल की छात्र संघ सोई से चुनाव लड़ चुका है। बदमाशों की फायरिंग से बचने के लिए विक्की ने मौके से भागने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपित उसका करीब 500 मीटर तक पीछा कर फायरिंग करते रहे। मटौर मार्केट से करीब आधा किलोमीटर दूर कम्युनिटी सेंटर के बाहर आरोपितों ने विक्की पर गोलियां दागी। मटौर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विक्की के शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं आरोपितों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई। पुलिस को अहम फुटेज मिली है, जिसमें हमले का पहला हिस्सा कैद है, जिसमें दो युवक विक्की पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। आरवी लाइव मीडिया के लिए अनिकेत भारद्वाज की रिपोर्ट।